अब फ्रेंड्स, जो भी बंदा इस वीडियो को थंबनेल देखने के बाद आया है, जहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है अगर आप एक रेफर करते हो तो उसके बदले यहाँ पे आपको 1250 रुपीज़ मिलेंगे, वो बिल्कुल सही जगह पे आया है। लेकिन दोस्तों, बिना काम करे आपको कोई भी पैसा नहीं देने वाला है। यहाँ पे आप मेरी बात ये मान लो, अगर आप ये सोचते हो कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे और आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा। गाइज, ये टास्क थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है इससे फायदा होगा। और जब भी आप एक रेफर करोगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको जो है वो 1250 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन आपको अपने सामने वाले दोस्त को ये भी बताना होगा कि भाई तू इसको क्यों डाउनलोड कर रहा है और तू इसको क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे 2 से 3 तरीकों से मैं इस वीडियो को देखने के बाद फायदा कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर फॉलो नहीं किया है तो यार वहां पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि आप लोग वहां पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो लगे हाथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ही फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रील शेयर करता हूँ जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है। तो जो चलता हूँ यहाँ पे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे आपको 1 रेफर के अंदर 1250 रुपए दे रही है। सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, वो एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे क्रेड। अब दोस्तों देखो, क्रेड ना यहाँ पे एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आपकी क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स को पेमेंट करने का आपको ऑप्शंस देती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड के बिना इसके अंदर अप्लाई कैसे करें। मैंने तभी बोला था यहाँ पे थोड़ा सा टास्क चैलेंजिंग हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको कुछ सारा इंटरफेस देखने में मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको चले जाना है अपने ये सेटिंग वाले ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे देखो, इससे ना जितनी बार भी आप रेफर करोगे तो आपका यूनिक कोड जनरेट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ से रेफरल जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर बार एक बंदा अगर मेरी वीडियो से इसको डाउनलोड कर लेता है, दूसरी बार मुझे फिर से एक नया लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब समझ लो, एक बार यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो भाई एक एक लिंक से ही डाउनलोड हो पाते हैं। मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग 1537 रुपीज़ की कर रखी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे से कुछ अर्निंग, मतलब कुछ इन द सेंस आप ये कह सकते हो कुछ अर्निंग रेफरल अर्निंग है, और बाकी या कुछ अर्निंग है जब मैं क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करता हूँ तो उसके बदले मुझे दिए जाते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड्स। वैसे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मोर वाले ऑप्शंस के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास आपके रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब दोस्तों, लेकिन वो रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन उसी को मिलता है जिसका यहाँ पे कार्ड एक्टिवेट होता है। मतलब मान लीजिए आपने इसके अंदर कार्ड डाला, तब जाके जो है वो आपको इसमें रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे पास ये जो रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। सपोर्ट के अंदर जाओगे, सपोर्ट के अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको देखने के मिलने वाला है रिवॉर्ड एंड करेंसी। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको रेफरल प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब इस रेफरल प्रोग्राम के बारे में आप जितना भी जानना चाहते हो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो कि भाई क्या क्या आपका रेफरल प्रोग्राम है, क्या क्या आपको अमाउंट मिलेगा, कितना कितना जो है वो आपको इसमें अमाउंट मिलने वाला है। और जो एक लिंक होता है ना, वो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड होता है। मतलब किसी एक बंदे ने उसके अंदर अप्लाई किया, साइन इन किया, 48 आवर्स तक ही वो बंदा उसको यूज़ कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे वो पैसा आपको कहाँ मिलेगा, वो पैसा मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से, आपको आपके इस वॉलेट के अंदर। ये देखो, जैसे कि लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, आप यहाँ पे से अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि भाई कितना पैसा कहाँ घूमा, कैसा पैसा कहाँ से आया। मैंने इसमें 500 रुपये का रेफर किया था अपने ही घर में, मतलब जब इनका एक ऑफर चला था यहाँ पे आपको 500 रुपये ये पर रेफरल के अंदर दे रहे थे, तब मैंने 500 रुपये का रेफरल किया था और डायरेक्टली 500 रुपये मेरे पास आ गए इस अकाउंट के अंदर। अब दोस्तों, ये काम कैसे करेगा, ये मान लो आपने 500 रुपये की शॉपिंग करी, जब भी बिल जनरेट होगा तो यहाँ पे इसे आपको पे करना होगा, तब आपका एक भी रुपया जो है वो नहीं कटने वाला है आपके बैंक अकाउंट से। मान लीजिए आपने जियो मार्ट में शॉपिंग कर ली, मान लीजिए आपने जो है बाजार में जाके कुछ सामान खरीद दिया 500 रुपये का अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो क्रेडिट कार्ड से जो भी आपके 500 रुपये डेबिट होंगे आपके बैंक अकाउंट से आपको पे नहीं करना है, वो फिर पे कर लोगे आप डायरेक्टली अपने क्रेडिट के अकाउंट से ही, कुछ इस तरीके से। जैसे कि देखो, मेरे पास यहाँ पे अकाउंट के अंदर भी 50 रुपये बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे 50 रुपये बैलेंस है। मैं यहाँ पे से पे करना चाहता हूँ अपना ये बिजली का बिल। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बिजली का बिल यहाँ पे फैच हो जाएगा। ये देखो, जैसे कि बिजली का बिल था मेरा 601 रुपीज़ के आसपास, अब यहाँ पे बिल कितना बन रहा है 551 रुपीज़ के आसपास, डायरेक्टली जो है वो क्रेडिट सेविंग कॉइन्स मेरे यहाँ पे माइनस हो गए हैं। तो कुछ इसी तरीके से इनका रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम काम करता है। जब भी मैं इसको रेफर करूँगा आपको,
तो भाई यहाँ पे से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट रेफरल के अंदर 250 रुपीज़, और साथ ही साथ यहाँ पे सॉरी 1000 रुपये का रेफरल है, 250 रुपीज़ आपको मिलेंगे, 750 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से 750 रुपीज़ जब मेरे अकाउंट के अंदर आएंगे तब मैं यहाँ पे से कर सकता हूँ, लेकिन एक ही बार। लेकिन जब आप लोग आपस में रेफरल शेयर करोगे ना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ध्यान से करना है। मैं तो एक ही बार कर पाऊंगा, एक ही बार जो है वो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग इसमें मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, आपस में लिंक शेयर करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होके वहां पे आपस में लोगों को बता सकते हो कि भाई ये जो प्रोग्राम है इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कहाँ से करोगे। देखो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वन कार्ड। अब ये जो वन कार्ड एप्लीकेशन है, मैं पहले ही बता दूं वन कार्ड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही यहाँ पे क्रेडिट वालों की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। अब ये वन कार्ड कर क्या रहा है, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखो अगर आप इसके अंदर 2000 रुपये की FD कराते हो तो उसके बिहाइंड में, उसके बिहाफ में आपको 2200 रुपये की लिमिट मिलती है आपको उस कार्ड के अंदर खर्च करने के लिए। और जो भी आप 2000 रुपये की FD कराओगे उसके ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा 6.75 का या 7% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जब भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो भाई यहाँ पे आपको हो जाता है फ़ायदा। अब देखो जब भी आप जो है वो शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए आपने मेरे अकाउंट से इसको रेफरल किया, रेफरल करने के बाद आपके अकाउंट के अंदर 250 रुपीज़ आ जाएंगे, मेरे अकाउंट के अंदर 250 रुपीज़ आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब भी आप स्वाइप करोगे अपने कार्ड को, कहीं पर भी जाके स्वाइप करो, अपने क्रेडिट ऐप के अंदर जोड़ देना, वहाँ से बिल पेमेंट कर देना। अब चलो वहाँ से भी आपने बिल पेमेंट कर दिया, फिर भी आपका अमाउंट ड्यू रह गया, ठीक है, आपका अमाउंट रह गया 50 रुपये का ड्यू, 100 रुपये का ड्यू, तब क्या करना, आप चले जाना इनके ये वाले गिफ्ट वाले वाउचर के अंदर, जहाँ पे आपको 60,000, जैसे अभी मेरे अकाउंट के अंदर 60,000 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे यूज़ कार्ड के अंदर करूँगा। यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे 500 रुपये 500 कॉइन्स हैं, इन 500 कॉइन की कीमत कितनी है, यहाँ पे 550 रुपीज़ की है। 1K कॉइन की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब देखो मैंने कुछ शॉपिंग करी है यहाँ पे स्विगी से 321 रुपये की, तो यहाँ पे से मेरे माइनस हो जाएंगे डिडक्ट कॉइन 3,210 रुपीज़। मतलब ये मेरे रिवॉर्ड्स पॉइंट है जो मैंने शेयर किए हैं, मतलब आपको मैंने रेफरल किया तो पर रेफरल मेरे को मिला 2,500 पॉइंट्स। अब उन 2,500 पॉइंट्स से मैं जो है वो यहाँ पे जो है बिल जनरेट होगा, जैसे मान लो मेरा बिल 250 रुपीज़ का जनरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे से डायरेक्टली पे कर सकता हूँ अपने इन रेफरल्स पॉइंट्स से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं समझता हूँ, जैसे मान ये समझ लीजिए मैंने इस एप्लीकेशन को आपको रेफर किया, 2,500 पॉइंट्स आपको भी मिले, 2,500 पॉइंट मुझको भी मिले, ठीक है। अब आपने इसमें शॉपिंग कर ली 500 रुपये की या 250 रुपये की, तो आप उन 250 रुपये को जो भी आपने शॉपिंग करी है उसको स्वैप करवा सकते हो या उससे कन्वर्ट करवा सकते हो जो इनके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हैं। तो ये एक लॉजिक थिंक है अर्निंग करने की, अगर आपको अर्निंग करना है इस तरीके से रेफरल प्रोग्राम के तहत आपको फायदा हो जाएगा। आप 1,000 रुपीज़ अर्न करोगे क्रेड ऐप के अंदर, और इसी क्रेड ऐप इसी क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेना अपने क्रेड ऐप के ऊपर, और यहाँ पे से 1,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, और जितनी बार भी अपने दोस्त को इस एप्लीकेशन को भी शेयर करते हो तो 2,500 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप रिडीम कर सकते हो एज अ रियल कैश के ऊपर। जब भी आप शॉपिंग करते हो कहीं पर भी, Amazon में करो, Flipkart पे करो, आपको हर जगह ये कार्ड यूज करने का आपको ऑप्शंस मिल जाता है, क्योंकि इनको डायरेक्टली यहां पे पीछे से पावर्ड करता है यहां पे SBM बैंक। तो आई होप फ्रेंड्स यहां पे आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है फिर भी पूछ लीजिए मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैं जानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे आपको सारा काम आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है इन्हीं की एप्लीकेशंस के अंदर, आप उससे ही यूज कर पा रहे हो, लेकिन हां फायदे वाली डील है, आप जाके काम करो। मैं तो इससे बहुत ज्यादा अनगिनत फायदा लेता हूं, मैं वन कार्ड ले पाता हूँ लेकिन क्रेड ऐप से नहीं ले पाता हूँ, लेकिन क्रेड ऐप ना थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा ठीक है तो वो मेरे लिए भी ज़्यादा पावरफुल है ऑप्शंस, लेकिन ठीक है अभी आप लोग इसके अंदर काम करिए, आप लोग आपस में शेयरिंग करिए, आप लोग आपस में एक बार जो है वो लोगों को समझाइए कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसे काम करती है, आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्रेड से भी मैंने जो है 1,530 रुपीज़ 40 रुपीज़ के आसपास भी अर्न किए हुए हैं, ये अच्छा एक अमाउंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।